हमारे पास यहाँ पे तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इन तीन मैट्रिसेस को हम किस तरह से आपस में जो है मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन रो वन कॉलम, सर मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे वन रो वन कॉलम करके आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाना है। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन मल्टीप्लाई होगा वन से, तो वन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह वन रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखा जाएगा, वन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आयोटा मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का ज़ीरो, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा वन से, तो ज़ीरो, ज़ीरो वन का ज़ीरो होता है, और वन मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का आयोटा, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से ज़ीरो, और वन मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का ज़ीरो, वन आयोटा माइनस का आयोटा ज़ीरो। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया इस मैट्रिक्स को, तो क्या आएगा, वन माइनस का आयोटा का स्क्वायर ज़ीरो, आयोटा ज़ीरो, और उसके बाद ये मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे वन आयोटा माइनस का आयोटा और ज़ीरो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वन रॉ वन कॉलम करके मल्टीप्लाई करवाऊँगा वही चीज़ मैंने यहाँ पे। अब ये वन जो है मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यू से, वन मल्टीप्लाई होगा वन से तो वन ही रहेगा, और अगर आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा वन, तो भी आयोटा का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। वन रॉ वन कॉलम ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ज़ीरो हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिंपल माइनस का ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलेगा, एक साथ लिखूंगा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा और माइनस का आयोटा का क्यूब, क्योंकि दोनों आयोटा मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यू से, तो आयोटा मल्टीप्लाई होगा वन से तो आयोटा हो जाएगा, और अगर आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ ज़ीरो मल्टीप्लाई किससे होगा, ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा, वन से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा, ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ज़ीरो। उसके बाद आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयोटा का स्क्वायर, और ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा किससे, ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, माइ प्लस का ज़ीरो। अब हमारे पास ये कम्प्लीट सॉल्व हो चुका है, इसको अब जो है मैं थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगर आप नोट करो यहाँ बचेगा वन माइनस का आयोटा, ज़ीरो को मैं हटा दूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आयोटा माइनस का आयोटा का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे माइनस कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, तो सिंपल लिख दूँगा यहाँ पर आयोटा, और यहाँ पर लिख दूँगा आयोटा का स्क्वायर। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर रफ कॉलम के अंदर एक चीज़ यहाँ पर लिखी कि आयोटा का जो स्क्वायर है बराबर होता है किसके, माइनस के वन के, ठीक है। अब आयोटा का क्यूब भी पता होना चाहिए मुझे, मैंने आयोटा का क्यूब किस तरह से निकाला, अगर आप नोट करो यहाँ पे, ये जो वैल्यू है मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखी, आयोटा माइनस का आयोटा का क्यूब, ठीक है। और यहाँ लिखने के बाद मैंने इसमें से क्या ले लिया, आयोटा का कॉमन ले लिया। जब मैं इसमें से आयोटा दोनों में कॉमन था, आयोटा कॉमन, माइनस का आयोटा मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अगर मैं इसमें से आयोटा निकाल देता हूँ तो यहाँ बच जाएगा सिंपल माइनस का वन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस का आयोटा इसमें से भी निकाल देता हूँ तो यहाँ बच जाएगा प्लस का आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसमें से आयोटा को निकालूंगा तो यहाँ बचेगा माइनस का वन, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे सिंपल आयोटा बच जाएगा। और अगर आयोटा को उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, आयोटा का क्यूब बन जाएगा। तो इसी वजह से मैंने माइनस का आयोटा यहाँ पे कॉमन लिया। उसके बाद अगर आप नोट करो, अब मेरे पास आयोटा का स्क्वायर भी आ गया है, आयोटा का स्क्वायर बराबर है माइनस के वन के। अब मैं यहाँ पे एज इट इज़ यही चीज़ यहाँ पे लिखूँगा, वन माइनस का आयोटा, ये चीज़ यहाँ दी हुई थी, यहाँ ये चीज़ मैंने बनाई थी, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का आयोटा, ठीक है, माइनस का वन प्लस का आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के वन के, मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये होगा कि अब मैंने यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ भी क्या लिखूँगा मैं, माइनस का वन लिखूँगा। सो वन माइनस का आयोटा भी आ गया है मेरे पास,
माइनस का आयोटा भी आ गया, माइनस का आयोटा लिख दिया मैंने, माइनस का वन लिखा है मैं, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के वन के, तो माइनस की जगह माइनस का वन लिख दिया, ठीक है, आयोटा माइनस का वन। अब मैं इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके वैल्यू यहाँ पे निकाल देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, आगे स्टेप्स ना हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का आयोटा माइनस का वन और माइनस का वन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, और जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आयोटा हो जाएगा। सो मेरा आंसर क्या आ गया इसके अंदर, आंसर मेरे पास ये आया है कि वन माइनस का आयोटा, इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू आयोटा, आयोटा और माइनस का वन, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।